कोविड जैसी महामारी के दौरान लोगों का पर्यावरण की तरफ से ध्यान ही हट गया है। ऐसे में काशीपुर राइजिंग फाउंडेशन द्वारा पार्क को गोद लेकर उसमें वृक्षारोपण का कार्य किया गया, जिससे लोगों को स्वच्छ हवा के साथ साथ छाया भी मिलती रहे। बता दी कि कोरोना वायरस जैसी महामारी के संकट के समय में लोग घरों में कैद हो गए थे और हर कोई कोरोना वायरस से बचने का उपाय करता नजर आ रहा था। यही कारण है कि उन लोगों का प्रकृति की तरफ से ध्यान ही हट गया था। यही कारण है कि पिछले कुछ माह से वृक्षारोपण में काफी कमी आई है। वहीं काशीपुर राइजिंग फाउंडेशन द्वारा काशीपुर में प्रकृति को हरा भरा बनाए रखने के लिए एक कदम उठाया है, जिसके चलते एनजीओ द्वारा काशीपुर एएसपी कार्यालय के बाहर बने पार्क में वृक्षारोपण और स्वच्छता का कार्य किया गया, जिससे पार्क में आने वाले लोगों को स्वच्छ हवा और पेड़ों के बड़े होने पर छाया मिल सके। है काशीपुर राइजिंग फाउंडेशन नाम का एक मेरा एनजीओ है, जो यहाँ पर्यावरण और स्वच्छता पर वर्क करता है। हर साल हम लोग प्लांटेशन करते हैं, तो इस बार भी हमने अब सुबह आरम्भ किया है। हालांकि अभी धरती में नमी नहीं है, लेकिन बारिश की उम्मीद है। तो हम लोग सितंबर 15 जून के बाद से स्टार्ट करके सितंबर लास्ट तक हम लोग वर्क करते हैं। 2500-3000 प्लांट हम लगभग हर साल लगा रहे हैं। फलदार होता है, छायादार होता है, और कुछ जैसे नीम का पेड़ हम बहुत ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि नीम से हमें बहुत सारे फायदे भी होते हैं, हमारे पर्यावरण को भी शुद्ध रखता है। और इससे हम यदि व्यवसाय करना चाहे कोई भी भाई बंधु, तो इससे पौधे से हमें व्यवसाय के भी फायदा मिलता है। तो ये काम हमारी टीम लगातार करती आ रही है और करते रहेंगे। पूछा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमारे फिक्स हैं। सर्वप्रथम हम पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करते हैं, धरती को हरी भरी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही स्वच्छता भी हमारा एक प्रमुख उद्देश्य रहा है, और स्वच्छ भारत की जो परिकल्पना है वो हमारा एनजीओ सार्थक कर रहा है। वहाँ जगह जगह हम सफाई अभियान करते हैं, और अभी अभी हम लोगों ने, हमारी सोसाइटी ने, हमारी फाउंडेशन ने निर्णय किया है कि इस पार्क को भी हम गोद ले रहे हैं, जिसका कि हमें अनुमति अभी हमारे सर भट्ट जी से मिल चुकी है। तो हम उम्मीद करेंगे कि इस पार्क को जब आप अगली बार देखें कुछ समय के बाद, तो एक हरा भरा और प्रकृति से और हरियाली से परिपूर्ण पार्क आपको दिखाई देगा। तो आज की इस शुभारंभ जो हमने किया है, उसमें सर्वप्रथम जो सबसे अच्छी बात हमें मिली, वो पार्क भी हम गोद ले रहे हैं, तो स्वच्छता के साथ पर्यावरण की भी सुरक्षा का ध्यान हम दे रहे हैं।